दोस्तों, कभी सुना है कि अगर आपको है कोई भी बीपी की समस्या, हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल से आप परेशान हैं, लीवर फैटी है, आपको डाइजेशन में तकलीफ होती है, तो मेरी दादी माँ ने बताया था ये बहुत ही ज़बरदस्त रामबाण नुस्खा, जिसे आप एक बार ट्राई करेंगे तो आप कहेंगे भाई वाह, सारा शरीर ही दुरुस्त हो गया है, चुस्त हो गया है। ये बड़ी बड़ी जो समस्या मैंने आपको बताई है उनके लिए सिर्फ दवाई का काम नहीं करती, उनके लिए रामबाण क्योर का काम भी करती है, उनको जड़ से ख़त्म करने का भी काम करती हैं। अगर आपको ये असर करती है तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। और कैसे लेना है इसको बता दूं, ऐसे कोई एक कच्ची आप लौकी ले लें मार्केट में से जो थोड़ी हरी हो, उसके दोनों एंड्स को काट लें और उसको छील लें। अब कैसे तैयार करना है और क्या क्या एडिशनल सीक्रेट चीज़ें इसमें डालनी हैं वो मैं आपको डिटेल्ड इस वीडियो में बता देता हूँ। तो दोस्तों, हमने लौकी को छील लिया है और अच्छे से छील के इसके बाद हमें इसे कद्दूकश करना है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मान लीजिए आप बीपी के मरीज़ हैं, आपको बीपी की कोई प्रॉब्लम है, आपको मालूम है उसकी मेडिसिन से आपका बीपी तो 4 से 8 घंटे के लिए शायद कंट्रोल होता हो या होता भी होगा, लेकिन उन दवाइयों के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो हमारे शरीर पर बेहद रिएक्शंस कर सकते हैं, लेकिन ये एकदम नेचुरल प्रोसेस है, एकदम नेचुरल रेमेडी है। वहीं बात करूँ कोलेस्ट्रॉल की, तो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करती है ये, आपके हार्ट की कोई ब्लॉकेज है उसको अगर कंट्रोलेबल कंडीशन में है तो मदद करती है कि ब्लॉकेज थोड़ी कम हो। तो लौकी के जूस के जितने फ़ायदे बताऊं मैं उतने कम हैं। सबसे बड़ी बात, डाइजेशन में तो काम करती करती है, साथ ही में आपके फैट लॉस, वेट लॉस में भी आपकी मदद करती है। आपको ऐसे लौकी को अच्छे से कद्दूकश कर लेना है। आप जितनी क्वांटिटी में जूस निकालना चाहें उतनी क्वांटिटी में लौकी को कद्दूकश कर लें। मैंने फ़िलहाल 1 लौकी ली है और उसको कद्दूकश करके आपको सारा प्रोसेस दिखा रहा हूँ। तो लगभग ये हमारा लौकी कद्दूकश करके निकल आई है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा काला नमक, लेकिन अगर आपको बीपी की समस्या है तो काला नमक बिल्कुल ना डालें, अच्छे से मिक्स करके इसको रेस्ट करने दें। काला नमक हमारे को फैट लॉस में बेहद मदद करता है और इसका स्वाद भी बेटर हो जाता है। बीपी वाले बिल्कुल भी इसका सेवन ना करें काला नमक डाल के। तो चलिए इसको 10-15 मिनट सेट होने देते हैं ताकि नमक की वजह से ज़्यादा रस निकले। तो चलिए, अब हमने इसको अच्छे से निचोड़ लेना है, हैंड प्रेस कर लेना है। तो ये देखिए, हमने हैंड प्रेस करके कितना सारा जूस निकाल लिया है, अच्छे से निकाल लेते हैं। जब तक ये जूस निकलता है आपको बता दूं दोस्तों, ऐसी ढेर सारी टिप्स हमने हमारे YouTube चैनल पे भी डाली है। अगर आप ये वीडियो Facebook पे देख रहे हैं तो इसी के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जो आपको हमारे YouTube चैनल तक ले जाएगा और आपको वहाँ बहुत ट्रिक्स मिलेंगी, आपको मज़ा आ जाएगा, इतनी सारी ट्रिक्स मिलेंगी आपको। तो चलिए, जूस अच्छे से निकल के तैयार हो गया है। अब मैं इस जूस को छानूंगा, लेकिन छानने से पहले मैं इसमें एक और सीक्रेट चीज़ डालने वाला हूँ, वो है नींबू। नींबू दोस्तों इसका स्वाद 4 गुना करेगी, इसके हेल्थ बेनिफिट्स 4 गुना करेगी। तो नींबू से कैसी नाराज़गी, थोड़ा सा नींबू डाल लेते हैं और उसके बाद इसे फटाफट से छान लेते हैं। दोस्तों, इसको फटाफट से छान लेना है आपको। और आपको छानने से क्या होगा, नींबू के बीज हैं या कोई लौकी का टुकड़ा रह गया वो छन के अलग हो जाएगा। आप इसे अच्छे से चाहें तो प्रेस करके भी निकाल सकते हैं। तो हम इसको अच्छे से देख लेते हैं, जब तक टपक रहा है पानी या जूस, थोड़ा सा इसको अब कर लेते हैं प्रेस। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके इतने ज़्यादा फायदे हैं आपके शरीर में, आपको बीपी की समस्या को क्योर करता है, आपकी डाइजेशन को बेटर करता है, आपके फैटी लीवर के लिए बेटर है, आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए बेटर है, आपके मोटापे के लिए बेटर है। तो एक बार ट्राई कीजिए, असर करती है तो सेवन कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, आपकी फैमिली के लिए ये मददगार वीडियो हो सकता है, आपके फ्रेंड्स के लिए। लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। दोस्तों, मैं चलता हूँ, अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ख्याल रखें।